वेलकम एवरीवन टू द न्यू वीक्स वीडियो ऑफ टाइपिंग फेम। और बेसिकली आज की वीडियो है हमारी एपिसोड 2 ऑफ राइजिंग क्रिएटर्स। और आज की वीडियो में हम लोग मेजरली बात करने वाले हैं अबाउट द राइज ऑफ आपका जैक्स इन यूट्यूब इंडिया। सो बेसिकली आपका जैक्स हैज बीन मेकिंग कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स, जबकि उनका चैनल 2012 में ही बन गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारी वीडियोज उन्होंने प्राइवेट कर दी हो। हिज चैनल स्टार्टेड फ्रॉम द नेम ऑफ जैक्स नेटवर्क एंड नाउ इट इज आपका जैक्स, कॉज मे बी मुझे जैसा लगता है कि आपका जैक्स ने पहले सोचा था कि मैं एक ऐसी एक मीडिया कंपनी बनाऊंगा जो कि थोड़ी बहुत फिल्टर कॉपी जैसी हो। कॉज जो मैंने थंबनेल्स देखे वीडियोस के, जो स्टोरी टाइप देखी, उसे देख के मुझे तो ऐसा ही लगा कि जो वीडियो के टाइप्स थे उससे आपका जैक्स इसी टाइप की वीडियोस बनाना चाहते थे। बट आई फील सो कि उन्हें भी ये रियलाइज हुआ कि उनकी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं और धीरे धीरे चैनल का भी व्यूज डिक्लाइन होने लग गया। बाय द मंथ ऑफ फरवरी इन 2020 हिज चैनल व्यूज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एट अ वेरी ह्यूज रेट। दिस वॉज द टाइम वेन आपका जैक्स यूट्यूब चैनल स्टार्टेड मेकिंग पैरोडीज। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि पैरोडीज तो यूट्यूब इंडिया में बहुत लोग बनाते हैं, सो व्हाट्स दैट स्पेशल अबाउट हिम। सो बेसिकली द ओनली थिंग विच इज स्पेशल अबाउट आपका जैक्स इज हिज ओरिजिनैलिटी। जिस टाइप की वो एक्टिंग करते हैं और दूसरे क्रिएटर को इम्पर्सोनिफाई करते हैं, उसे देख के आपको समझ आ जाएगा कि हाउ ब्रिलियंट एक्टर ही इज, एंड पीपल डोंट इवन नो कि उनको कितने रीटेक्स लगते होंगे एक सीन शूट करने का। ऑल्सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपका जैक्स को पता चल गया था कि यूट्यूब इंडिया पे ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल है अगर तुम बूमिंग क्रिएटर के फोटोज को थंबनेल में ना डालो या उनके नाम को अपने टाइटल में ना डालो। तो आपका जैक्स यूज दीज टू थिंग्स इन अ वेरी गुड वे एंड हिज चैनल स्टार्टेड बूमिंग अगेन। सिंस मार्च 30 जैक्स हैज बीन मेकिंग कॉन्स्टेंट पैरोडी वीडियोज वाइल कीपिंग इन माइंड दैट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मेजर ग्रोथ उनके चैनल पे आई 1 सितंबर से, जब उन्होंने एक पैरोडी बनाई फ्लाइंग बीस्ट पे। पैरोडी हो गई वायरल और आने लगे काफी ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स। जिन भी लोगों को ये वीडियो रिकमेंड हुई, लोगों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई, एंड सिंस देन हिज चैनल इज गोइंग अपवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स। ऑल्सो लास्ट डे आई वेंट थ्रू हिज इंस्टाग्राम अकाउंट एंड सॉ दैट ही विल अपलोड व्लॉग्स एज वेल। दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उनकी जो वीडियो वायरल गई थी वो थी फ्लाइंग बीस्ट की, एंड एट द सेम टाइम ही हैज गॉट द ऑडियंस ऑफ फ्लाइंग बीस्ट। दिस इज द बेस्ट टाइम ही कुड हैव अपलोडेड ब्लॉग्स, एंड आई फील कि ये बेस्ट डिसीजन होगा उनके चैनल के लिए। अब आ जाते हैं थोड़े टेक्निकल टर्म्स पे। जब मैंने उनका चैनल थॉरली रिव्यू किया, एनालिटिक्स चेक किए, कीवर्ड्स चेक किए, तो एक चीज मुझे समझ आ गई कि आपका जैक्स इज ओनली फोकसिंग ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। चैनल के कीवर्ड प्योरली फोकस थे पर्सनल ब्रांडिंग पे। कोई भी चैनल पे मुझे ऐसा पार्ट नहीं लगा जहाँ पे उन्होंने कोई और प्रमोशनल चीज करने की ट्राई की है। ऑल्सो ही इज ऑल्सो हैविंग गुड रिलेशंस विद द जेन ज़ी यूट्यूबर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। बड़े क्रिएटर्स लाइक साइमन सेज भी आजकल छोटे क्रिएटर्स के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि छोटे क्रिएटर्स भी कभी भी बड़ा बन सकते हैं इन यूट्यूब इंडिया। जैक्स हैज मेजरली फोकस्ड ऑन पैरोडीज ऑन हिज चैनल, एंड बिसाइड्स दिस थोड़ा बहुत आई फील कि जब उन्हें लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, तब वो ओमेगल या अजर की वीडियो बना लेते हैं या थोड़े बहुत स्केचेस या अनफनी वीडियोज बना लेते हैं, विच इज अगेन ओके फॉर अ क्रिएटर, बिकॉज हर एक क्रिएटर को ब्रेक चाहिए होता है, एंड मेजरली इफ यू आर मेकिंग पैरोडीज यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक एंड एक्ट। सो एट द एंड ऑफ द डे आपका जैक्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो एट द एंड ऑफ द डे ही इज हैविंग अ वेरी लॉयल फैन बेस। सो दिस वॉज द वीडियो ऑफ राइजिंग क्रिएटर्स एपिसोड 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो आपका जैक्स भाई देख रहा है, सो कीप इट अप ब्रो, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। ऐसे ही वीडियो बनाते जाओ और आई होप कि तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी क्रॉस हो जाए। ऑल्सो यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो के अपडेट्स देता रहता हूँ, तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।